स्वीडन में एक होटल है जिसका नाम है नल स्टर्न होटल। ये एक ऐसा होटल बिजनेस है जिसमें जो रूम्स हैं उसमें ना तो वॉल है, ना तो रूफ है, ना ही कोई दीवार है, ना ही कोई छत है, सिर्फ आप हो और ऊपर आसमान में तारे हैं। और इसे कंसेप्चुअल आर्टिस्ट फ्रैंक और पैट्रिक रिकलिन द्वारा क्रिएट किया गया था। और इस होटल का जो चार्ज है वो है 21,000 रुपीज पर नाइट, 21,000 रुपए पर रात का। नल स्टर्न का जर्मन में मतलब होता है जीरो स्टार, मतलब ये एक जीरो स्टार होटल है। मतलब कंपनी आपसे ये कम्युनिकेट करना चाहती है कि ये होटल जीरो स्टार है और स्टार जो है वो आप हो जो कि होटल में आएंगे। ये होटल करीब 6,400 फीट ऊपर स्विस एल्प्स के रीजन में मौजूद है और इसमें आपको सिर्फ एक बेड मिलता है, लैंप्स रहेंगे, फ्लोर रहेगा और टेबल्स रहेंगे। बट मेन रीजन जिसके चलते यहाँ लोग आते हैं वो है व्यूज, नजारे। पहाड़ों को काट कर जमीन को प्लेन करके इस होटल का निर्माण किया गया था। इस होटल से जो व्यू मिलता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। और आपको एक बात पता है, इस होटल में अगर आप बुकिंग करोगे और रहने जाओगे तो नियरेस्ट बाथरूम जो है वो जो आपको रूम देंगे ना उससे 5 मिनट के दूरी पे रहेगा। 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है रूम और बाथरूम के बीच में। अब 3 क्वेश्चंस आते हैं इस क्रेजी कंसेप्ट के बारे में। पहला ये कि नाइट में क्या ठंड नहीं लगेगा, तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स लगेगा, ठंड तो लगेगा, बट यही तो एक्सपीरियंस, यही तो अलग एक्सपीरियंस करने आते हैं लोग। और दूसरा क्वेश्चन है कि बारिश होगा तब क्या होगा, तो इसका भी आंसर वही है, यही तो एक्सपीरियंस करने आते हैं लोग। और तीसरा क्वेश्चन जो है कि बाथरूम 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे क्यों बनाया गया है, इतने दूर क्यों, जब भी टॉयलेट जाना होगा तो 5 मिनट चल के जाओ, फिर 5 मिनट चल के आओ, 10 मिनट टोटल। तो इसका भी आंसर वही है, यही तो एक्सपीरियंस करने आते हैं लोग। और एक सवाल जो कि आपके मन में आ सकता है कि क्या ये होटल बिजनेस कर पाता है, क्या प्रॉफिट में है ये होटल, तो ऐसा मत सोचना कि ये होटल बिजनेस नहीं करता है। ऐसे जो क्रेजी डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं ना वो बहुत बिजनेस करते हैं। इनफैक्ट लॉन्च होने के कुछ महीनों बाद तक ये होटल फुल्ली बुक्ड था, चाह के भी किसी को न्यू बुकिंग्स नहीं मिल रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी शेड्यूल था, सब कुछ महीनों पहले ही लोग बुक कर लिए थे। एंड अभी की बात करें तो अभी भी ये रिजर्व्ड रहता है ज्यादातर। और एक बहुत ही मस्त लोकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है, ये होटल का एक चेन है और इसमें आपको इग्लू में रहने का मौका मिलता है, वही इग्लू जिसमें टेम्परेचर गर्म रहता है। और ये इग्लू कांच का बना हुआ है, ऐसे ड्रीम लोकेशन पे आपको इग्लू में रहने का मौका मिलता है। और इसे कांच का इसलिए बनाया गया है ताकि आप इग्लू में रह के वो कांच के थ्रू जो नॉर्दर्न लाइट्स होते हैं ना, ये वाले जो कि ग्रीन कलर का हरा हरा दिखता है नॉर्दर्न लाइट्स, उसी को आप लेटे लेटे देख सको और आपको एक ऐसी फीलिंग आए कि ये नॉर्दर्न लाइट्स तो जस्ट मेरे बगल में है। दुनिया में बहुत सारे अमेजिंग जगहें हैं, इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। फैक्ट नंबर 7, रूबिक्स क्यूब ये दुनिया की सबसे पॉपुलर चीजों में से एक है। और रिकॉर्ड्स की बात करें तो कुछ लोग तो इसे 3 सेकंड 4 सेकंड में भी सॉल्व कर देते हैं, इतने कम सेकंड में भी सॉल्व कर देते हैं। एंड एक नॉर्मल इंसान को रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में करीब 5 से 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे रूबिक्स क्यूब के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि जो लोग देख नहीं पाते, जो लोग अंधे होते हैं, उनके लिए भी एक रूबिक्स क्यूब आता है। आप ब्रेल सिस्टम के बारे में तो जरूर जानते होंगे, मतलब जो जिनका आई साइट नहीं होता है वो ऐसे आंख बंद करके उसको फील करके पढ़ते हैं, डॉट 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 उठा रहता है। तो रूबिक्स क्यूब में भी ऐसी सिस्टम होता है और रूबिक्स क्यूब के ऊपर ऐसे उठा उठा होता है और इसे ब्रेली क्यूब कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, हेल टेलर नाम के क्राफ्ट्समैन है जो कि अलग अलग चीजों को डिजाइन करते हैं, बहुत यूनिक चीजों को। उन्होंने एक बहुत ही मस्त सा चीज बनाया था जिसका नाम है स्टोरी टाइम चेयर। हैल टेलर ने ये चेयर उन लोगों के लिए बनाया जिनके घर में छोटे छोटे क्यूट क्यूट से मोटे मोटे बच्चे हो और वो स्टोरी सुनना चाहते हो, और इसमें मेन जगह पे बैठ के फादर और साइड जो दोनों जगह है वहां पे बैठ के मस्त
एक मतलब कंप्लीट स्टोरी टाइम चेयर का सेट ये बना है, एकदम इसी पर्पस के लिए डेडिकेटेड है ये स्टोरी टाइम चेयर। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक तरह का बॉटल यूज किया जाता है? क्या है कि नॉर्मली पानी किसके बॉटल में होता है? प्लास्टिक के बॉटल में। और प्लास्टिक के बारे में तो आपको पता ही है कि ये फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है और बहुत सारे कंसर्न का कारण है प्लास्टिक। बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और इंडिया के कई पार्ट्स में बैम्बू के बॉटल्स बनाने का ट्रेंड शुरू हो रहा है एंड ये रियली में प्लास्टिक के प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम कर सकता है अगर इसे पूरा वर्ल्ड अपना ले। ये बॉटल्स कुछ ऐसे दिखते हैं और ये लीक प्रूफ भी होते हैं और ये प्योर बैम्बू से बने हुए हैं और पॉलिश्ड है। फैक्ट नंबर 4, क्या कि घूमना फिरना सबको पसंद होता है एंड जब भी आप किसी जगह पे घूमते होगे तो आपको किला बहुत देखने मिलता होगा। जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसमें किला फोर्ट ये सब बहुत देखने मिलता है एंड ज्यादातर फोर्ट जो होता है वो अभी के टाइम पे टूटा हुआ होता है एंड गाइड या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उससे ये पता चलता है कि ये किला बहुत साल पहले बना था एंड उस टाइम ये इतना बड़ा था और अभी खंडर बन गया है। तो ऑस्ट्रिया में इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वहां के जितने भी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि टूट चुके हैं उसके आगे कुछ ऐसे ग्लासेस दिए हुए हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो और इस पे खड़े होके लोग देख पाते हैं कि हाँ पहले जो ये था ये कैसा बना हुआ था उसका डायग्राम इस शीशे के थ्रू दिखता है एग्जैक्ट वही पोजीशन पे। पास्ट में कैसा स्ट्रक्चर था वो साफ साफ दिखता है। फैक्ट नंबर 3, हम अक्सर अपने चैनल पे आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं एंड कुछ तो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। एक जापानीज डिजाइनर है जिनका नाम है यशिरो सुजुकी और उन्होंने एक ऐसा बोट क्रिएट किया है जिसको कहते हैं जिपर बोट। और आप ये देखो, जब पानी में ये बोट खड़ा रहता है तब ये कुछ ऐसा दिखता है। अपने स्कूल के बैग के चेन को इमेजिन करो या फिर अपने पैंट के जिप के चेन को इमेजिन करो और जब ये बोट ऐसे चलता है तब ऐसे लगता है कि पानी में ऐसा कुछ ऐसा चेन खुल रहा है, कोई जिप ओपन कर रहा है। जब ये चलता है तब ऊपर से ड्रोन से देखने पे ऐसी लगता है। फैक्ट नंबर 2, जब आप रोड पे गाड़ी को चलाते हो तो आप किस साइड चलाते हो? आप ऐसे जा रहे हो रोड पे तो आप लेफ्ट साइड हो जाते हो ना, आपका गाड़ी लेफ्ट साइड से जाता है और जो उधर से आता है वो राइट साइड से आता है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में जाने वाली जो गाड़ियां होती है वो राइट से जाती है और जो आने वाली होती है वो लेफ्ट से आती है। तो एक अमेजिंग सा फैक्ट, स्वीडन में पहले इंडिया की तरह ही लेफ्ट से जाने का चलन था और राइट साइड से उधर से गाड़ी आएगी यही चलन था इंडिया में जैसा है। बट स्वीडन में एक दिन ये चेंज कर दिया गया और जो नियम है उसको बदल दिया गया साल 1967 में। एंड जब ये चेंज हुआ तब पहले दिन मॉर्निंग में कैसा सीन हुआ, मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते थे किधर जाना है रे, नियम तो बदला है, ऐसा होने लगा। और तब का कुछ ऐसा सीन है, ये जो फोटो आप देख रहे हो ये 1967 का रियल फोटो है जस्ट आफ्टर द अमेंडमेंट, जब नियम बदला उसके अगले दिन पूरे शहर में कुछ ऐसा सीन देखने मिला था। फैक्ट नंबर 1, मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल्स के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि ऐसा मे भी कभी न कभी हो कि आप कोई एक्सप्लोरेशन पे निकले जंगलों में और अचानक से एक क्रोकोडाइल आके आपके पीछे भागने लगे तो फिर आप क्या करोगे? बट यहाँ पे मैं आपको एक लाइफ सेविंग टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके चलते चाहे कोई भी प्रजाति का क्रोकोडाइल कितने भी स्पीड से आपके पीछे पड़े आप उससे बच जाओगे। क्या है कि क्रोकोडाइल्स जो होते हैं उनमें से कुछ प्रजाति भाग तो बहुत तेज लेते हैं, इंसान को भी चेज कर लेते हैं, बट उनका टर्निंग एबिलिटी उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब वो मुड़ने में उतना तेज रफ्तार से नहीं मुड़ पाते हैं। तो इसलिए आप क्या करना कि अगर ये क्रोकोडाइल है और आप ये हो तो आप ऐसे zigzag लाइन में भागना, अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा करके भागना ताकि क्रोकोडाइल भी आपके पीछे से मुड़ मुड़ के भागे और वो स्लो हो जाए। यही टेक्निक है, दे कैन नॉट टर्न वेरी वेल। इससे क्या होगा कि वो क्रोकोडाइल आपको चेज नहीं कर पाएगा और क्रोकोडाइल में इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि वो समझ जाए कि आप उसे उल्लू बना रहे हो, बकलोल बना रहे हो। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा नहीं दबाया तो दबा जरूर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।